نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो अल्लाह सब पिछली तमाम कौमों को जिक्र करके बताकर के ये कि अल्लाह जानता है कि जिन जिन चीजों को ये लोग अल्लाह के पुकारते इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है ठीक है यानी कि अल्लाह को ना तो इन आ, बातिल मबूदों की रफाकत मतलूब है क्योंकि अल्लाह सबसे जबरदस्त है सब पे गालिब आने वाला है ना ही अल्लाह तला को किसी किस्म के मशवरे की, की जरूरत है क्योंकि हकीम है उसके हर काम में हमत होती है और मसलियत होती है और इसको अल्लाह ताला ही जान सकते हैं हमारे साथ भी बहुत सी बुरी चीज हो जाती है अब सो कॉल्ड एक एक घर ये अल्लाह की है अल्लाह ताला ने खुद भेजा है वाला आलम ये हम हर वाक्य जो अल्लाह का होता है उसमें कोई हिकमत कोई इंसान की बेहतरी होती जो उस वक्त क्षेत्र समझ नहीं आ रही होती लेकिन बाहर आगे हमें समझ आती है हाँ ये बेहतर था ये कुछ कुछ ऐसा हो जाता तो ऐसी क्योंकि कहते ना जब इंसान जब अल्लाह से कुछ मांगता है कहता है जी अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे अल्लाह तला कुछ और अता फरमा देता है क्योंकि शायद वो चीज़ आपकी बेहतरी के लिए नहीं थी लेकिन इंसान इन है जल्दबाज है चल नहीं नहीं, नहीं अल्लाह तला मुझे तो यही चाहिए था लेकिन अल्लाह आपसे बेहतर चीज देना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्लाह की यहाँ पे इस आयत में ये बताया जा रहा है अल्लाह ताला अजीज भी है गालिब भी है जबरदस्त भी है हकीम भी है वाला भी है। आयत नंबर का और ये अल अमसालू, अल अमसालू, मसाल की जमा और ये मसाले जरब बयान करना हा इसको हम इन्हें बयान करते हैं नून मैंने हम और जरब बयान और हा इसको लिए नास लोगों के लिए और नहीं लू हा इसमें उर्दू का लफ्ज क्या आ रहा है अकल हा इसको कि वो उसमें समझते हैं इनको या अक्ल रखते हैं इसकी इल्ला मगर अल आलमून आलिम है इलम रखने वाले हैं बा देखते हैं ये मसाले हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं फिर अल्लाह ताला इलम ही की बार बार मिसाल दे रहे हैं कि इस आयत के भी दो मतलब हैं आयत नंबर 43 के एक तो ये कि अकवाम आलम की वाकयात इसलिए बयान किए जा रहे हैं अकवाम आलम कौन ये जो आज मूद नू हमें लूत जो इन सब के जो अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए हैं कि लोगों को मालूम हो जाए कि अंबिया की तकजीब और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का क्या अंजाम होता है अंबिया की तकजीब अंबिया क्या थे अंबिया तो मासूम थे वो तो सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम लेकर उनके पास आते थे उनको रहने सहने का तरीका सिखाते थे तो वो जब उनकी तकजीब कहते थे कि झूठे हैं और यानी कि और उनकी बातें यानी कि अल्लाह की नाफरमानी करते थे तो अल्लाह अपने फरमा बरदारों को जालमो से निजात देने के लिए अल्लाह देखे आपने कैसी कैसी निकाली हजरत को कश्ती में बैठा दिया कि ले जी इस कश्ती में बैठे बस जो इस कश्ती में बैठेगा वो बच जाएगा बाकी सारे गर्क हो जाएंगे इसी तरह फरअन को आपने देखा कि वो आ, आ, उस वो उस दरिया के ऊपर चल तो पड़ा लेकिन सिर्फ हजरत मूसा अल और उनके जो फॉलोअर्स ईमान थे अल्लाह ने उनको सेव कर लिया फरअन उसी दरिया के अंदर डूब के गर्क हो गया फिर हम इसी तरह आद को समूद को देखते हैं कि खैर हजरत तो खैर पहली उसकी कौम थी पूरी के अजाब से अपने तोबास अखबार की वजह से बच गई थी बाकी हम जितनी भी कौमें देखते हैं ये अल्लाह पूरी सूरत के सिपारे के एंड में ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह तकजीब और नाफरमानी करने वालों को अल्लाह तसे ऐसे ऐसे अजाब देते हैं कभी जलजिले से कभी पत्थरों की बारिश से कभी जमीन में धंसा देते हैं और दूसरा मतलब ये है कि कफारे मक्का को क्योंकि अब टू दी कॉन्टेक्ट बात की जाए कि जब ये आयत उतरी तो कफारे मक्का को एतराज ये था कि अल्लाह की शान इस बात से बहुत बुलंद है मक्खी मच्छर और मकड़ी जैसी मसाले बयान करें अब ऐसे एतराज़ जाहिर किस्म के लोग कर सकते हैं अहले इलम वाले नहीं कर सकते अहले इलम तो ये देखते हैं ये आया ये जो बयान किया जा रहा है वो वो क्या बयान किया जा रहा है और मसाल क्या दी जा रही है जैसे हमने पीछे मच्छर की भी पढ़ी और फिर हमने मच्छर पे अपने कितना डिटेल स्टडी की फिर हमने और आपने मक्खी को देख पढ़ा हमने या मकड़ी को हम देख रहे हैं क्या आप मकड़ी किसको देखें और आप देखें कि एक पूरा इल्म है जिस इंसेक्ट्स के ऊपर रिसर्चस चल रही हैं उनके उनके रिप्रोडक्शन पे उनकी उनकी क्रॉलिंग और उनकी क्रीपिंग उनके स्टाइल पर उनकी मूवमेंट पे और उनकी जो हैबिट्स है उनकी हैबिटेट पे तो और आसमान तमाम जो चीजें अल्लाह ताला ने बेफायदा नहीं पैदा की तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो मैंने मसाले वो तिलकल तू मैं जो मसाले आप लोगों को बयान कर रहा हूँ इसको अहले इलम वाले ही इसको समझ सकते हैं तो उसके लिए हमें

अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिक्मत के साथ पैदा किया है कुछ शक नहीं के ईमान बालों के लिए इसमें निशानी है अब यहाँ पे अल्लाह ताला आखिरी पारा नंबर बीस की आखिरी आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को हमत के साथ पैदा की आप देखते हैं कैसी हमत पैदा कभी इसकी फॉर्मेशन पे आप गौर करें जमीन को देखें आसमान को देखें बगैर पिलर्स के खड़ा है और जमीन और आसमान आपस में हारमोनाइज है असिस्ट करते हैं वो जैसे कहते हैं ना बॉडी गार्ड है एक दूसरे के अगर जमीन हो और आसमान ना हो या अगर आसमान ना हो तो जमीन ना हो तो फायदा नहीं है। ठीक है ये जो वाटर साइकिल है जो क्लाउड्स और जमीन पे दरिया दरियाओं से वाटर वेपर्स वाटर वेपर से फिर ऊपर टानी ड्रॉपलेट्स और उसके बाद जो क्लाउड्स क्लाउड्स बनते हैं फिर क्लस्टर होते हैं और फिर वो रेन फॉर्म करते हैं फिर अल्लाह के हुक्म से रेन जो बारिश होती है फिर वो बारिश जमीन पर आती है फिर वो कहीं दरियाओं में समुद्रों में लेक्स में चली जाती है और कहीं वो ही बारिश ग्लेशियर्स में बर्फ की शक्ल में जम जाती है और फिर जहां जहां जब जब अल्लाह ताला को इंसान को पानी की जरूरत होती तो अल्लाह ताला वो महैया उसको करते हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हम तो पानी आ, का इस्तेमाल करना शुरू करें हमारी अगर टैंकी खाली हो जाए तो हमें दोबारा फिल करानी पड़ती है ना पानी की बॉटल पीने वाली खत्म हो जाए तो नहीं मंगवानी पड़ती है तो अल्लाह ताला ने तो रहती दुनिया की ग्रोसरीज जब अल्लाह ताला ने छे दिन लगा के आराम से जब ईद बनाई थी तो वो इसीलिए बनाई थी कि उनके अंदर एक तरतीब और वो रेपिटेशन और वो जो एक रिसाइकल और साइकिल होने का पूरा अमल था वो अल्लाह तला ने अंदर रख दिया था और एक दूसरे को एसोसिएट किया था आप देखते हैं कि और उसमें जो पानी है पानी अल्लाह ताला ने कट्ठा उतार दिया अब देखें अगर इकट्ठा पानी अगर हमारे घरों के अंदर आए तो हमारे तो अंदर सुनामी आ जाए लेकिन अल्लाह ताला ने उस पानी को उतारा कुछ ग्लेशियर्स की शक्ल में कहीं नदी में कहीं नाले में कहीं लेक में कहीं अः वॉटर वेपर्स में कहीं ऊपर क्लाउड्स की शक्ल में तो अल्लाह ताला ने बड़े तरीके से पानी को सेव किया फिर आप देखें कि पानी को भी आप देखें कि उसके आ, खारा पानी भी है मीठा खैर बहरहाल बहस लंबी हो जाएगी और फिर आसमान फिर ये हवाएं ये जो गैसेस हैं उसकी आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक उसमें एतदाल रखा हुआ है ठीक है अगर हमारी इस वक्त जहाँ मैं और आप बैठे हैं अगर हमारी ऑक्सीजन सम अगर बंद हो जाए तो हमें सांस सांस लेना सके बल्कि मर ही जाए ऐसे ही है ना तो अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर तरीके से जमीन और आसमान और फिर जमीन के ख्वास उसमें हमारे खाने पीने की चीजें उगती हैं और वही हमारे बदन का हिस्सा बनती हैं ऐसे ही है ना जो बहुत डिटेल से मैंने आपको पहले भी बताया तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान हक के साथ बनाए और किसके लिए बनाए हम इंसानों के लिए हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं वरना आपने कभी देखा है वो एक आम का दरख्त उगे और कहे के यार मैं ही सारा आम खा लूँ यार सारा इंसान क्यों खाता है मैं ही खा लू है मैं, मैं ही दो आम का एक मैं ही खुद ही खा लू नहीं एक आम लगता है एक कहीं भी कोई फसल उगती है कोई आपका फ्रूट उगता है कोई वेजिटेबल उगती है वो बनती किस लिए मेहनत कौन कर रहा है उस जमीन पर और वो वो दरख्त वो प्रोड्यूस कर रहा है या वो फसल दे रही है वो किसके लिए दे रही है इंसानों के लिए तो ये अल्लाह ताला की तिकमत है और क्या क्या है वो हम समझ भी नहीं सकते इवन जो कीड़े मकोड़े हैं जो वहां पे हशरात होते हैं फील्ड्स में जो हमें बड़े बुरे लगते हैं उनकी भी हिकमत है उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको जमीन नरम करने के लिए पैदा किया है अगर वो जमीन नरम ना करें तो इतनी वो जो लैंड है फर्टाइल भी ना हो ठीक है जी तो ये अल्लाह ताला की तमाम चीजों में हिमत है तो अल्लाह ताला कह रहे इन्ना फी जालिका कुछ ईमान वालों के लिए इसमें निशानिया है, चेक क्या करना है? हमारा ईमान का लेवल क्या है चेक क्या करना है कि अहले दानिश हम कहने को तो हमारे अंदर बड़े डिग्री होल्डर्स हैं इस वक्त माशाल्लाह बहुत लाइक फायक लोग बैठे होंगे मास्टर्स कोई डॉक्टर्स या कोई इंजीनियर्स बड़े पी एच डी लोग बहुत बैठे होंगे सुन रहे होंगे इलम जैसे मैंने बताया कि इलम आपका कल्चर और वैल्यूज की ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है वो आपकी करने का नाम है अल्लाह से जोड़ने का नाम है तो वो अगर वो आपके साथ नहीं हुई तो फिर हमें ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है कि नहीं तो ये अल्लाह ताला ये निशानियां भी वही देख सकता है जो अहले इलम वाला होगा अहले ईमान वाला होगा तो इसी आयत को आयर फोर्टी फोर को जब हम बंद कर रहे हैं तो हम अल्लाह तला से दुआ करेंगे या अल्लाह या अजीज या खफूर और यहाँ पे जो सिफात खास तौर पे आई है अजीज हकीम अल्लाह ताला आज हमने जो कुछ पढ़ा अल्लाह ताला हमारे अमलों में जारी और सारी कर दीजिएगा अल्लाह ताला हर चीज हिकमत से पैदा की अल्लाह तला जो हमें सलाहियतें आपने दी अल्लाह तला आपकी अता कर दें अल्लाह तला हम इस जमीन और आसमान हम अपनी सलाहियतों को कैपेबिलिटीज़ को अल्लाह ताला उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें कि जमीन में फसाद ना हो जमीन में अमन कायम करें अमान कायम करें और ये जो इस वक्त हमारे अंदर अनार की बेचैनिया और वो क्या कहते हैं क्योस और पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे अंदर डेवलप हो चुकी नहीं है जेलसीज और गुस्से फ्रस्ट्रेशन ियर में है कोई सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में मुबतला है तो ये तमाम चीजें जो कॉम्पिटिशन कम्पेरिजन हर वक्त हर वक्त हमारे दिल और दिमाग में चलता रहता है अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों से और खास तौर पे इस मोबाइल के शर्त से अल्लाह ताला हमें अल्लाह तहफूज फरमा दे आमीन सुमा आमीन तो अल्लाह ताला हमें इन आयात पर इन आयात यानी कि अल्लाह ताला की इस कायनात पर अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की अल्लाह ताला तर सदर ता फरमा दे कि अल्लाह ताला उस आ, नजर से हम अल्लाह इन चीजों को देख सकें क्या ये क्या चीजें बनाई अल्हमदल तो क्या जमीन क्या आसमान अल्लाह ताला बस किसी का हम हक मारने वाले ना बने अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे आमीन अल्लाह ताला ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے والا بنا دے امین الا الہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله, اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته